ओके तो हेलो, मुझे पता है यार, बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाली है। ठीक है, तो फिलहाल बात यह है कि यूके एनिमे जो चैनल है उस पर पड़ चुकी है 2 स्ट्राइक्स, तो उस पर मैं लाइव स्ट्रीम ही नहीं कर पा रहा, तो मेरे को मेरे म्यूज़िक चैनल पे स्ट्रीम करना पड़ रहा है। और अभी देखते हैं फार्मिंग सिमुलेटर 14। ठीक है, तो जब भी आप गेम ऑन करते हो ना, तो यहाँ पे दिखा जाता है न्यू वर्जन ऑफ फार्मिंग सिमुलेटर इज़ अवेलेबल, विजिट द प्ले स्टोर। बट दिक्कत यह है ना, कोई कोई डिवाइसेस में ये एक्चुअली अवेलेबल नहीं रहता है, तो शायद पता नहीं यार आता है कि नहीं। अरे तो अब अगर आप यहाँ पे यस दबाते हो ना, तो वो मतलब इसका अपडेट कुछ नहीं है। ठीक है, सिमुलेटर 14 का कुछ नहीं है, और शायद 16 पे खोलते हैं। रुको एक सेकंड, मैं भूल गया। देखो प्ले स्टोर पर जाओगे, ये आपको दिखाएगा 20, फार्मिंग सिमुलेटर 20। बट ये जो फार्मर सिमुलेटर 20 है, ये एक्चुअली पेड है। ठीक है, पेड मतलब आपको ये परचेज कर, मैंने परचेज करके रखा है। ठीक है, मेरे को प्राइस तो पता नहीं है। अब अगर मैं मेल ईमेल जो है मेरा, वो अगर चेंज भी करता हूँ ना, तब भी कोई फ़ायदा नहीं, मेरे को अवेलेबल ही दिखाएगा क्योंकि ये डाउनलोड हो गया है। और मैं डिलीट करना नहीं चाहता हूँ, अगर मैं डिलीट करता हूँ ठीक है, तो जी सारी मेहनत पानी में फिर जाएगी। ठीक है, तो ओके, तो ज़्यादातर डिवाइसेस में फार्मिंग सिमुलेटर 20 अवेलेबल होता है। तो हाँ, क्योंकि देखा जाए तो 2015 में शायद से देवाशीष नाम का लड़का, जो कि मेरा फ्रेंड था, मेरा जूनियर था, उसके पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में हॉस्टल में रहता था तब, तो उसके फ़ोन में रिसेंट ऐप्स में देखा था। तो हाँ, तो खेलता था, तो मेरे को लगता था कि मैं अकेला ही खेलता हूँ, बट नहीं, हाँ कोई कोई खेलते। इंडिया में उस टाइम पे इतना पॉपुलर नहीं था। तो चलो, हाँ आपको ट्यूटोरियल, हाँ यार बेसिक से शुरुआत करते हैं यार। तो देखा जाए तो अब यहाँ पे मैं मतलब ये तो बेसिक यानी सारा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। मैं जायरो प्लेयर हूँ, तो मैंने सेटिंग्स मतलब सेटिंग्स कैसे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना डॉट है यार, 1 2 3 4, ओके 4, यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, प्राइजेस स्टैक, मेरे को पढ़ना नहीं आता है। ठीक है, अचीवमेंट्स मैनुअल, अगर किसी को इसका प्रोनाउंसिएशन पता है तो ठीक है यार। और सेटिंग्स, सेटिंग्स में जाके मैंने साउंड चाहो तो बढ़ा सकता हूँ, बट नहीं यार, मेरी आवाज़ आना चाहिए। और क्या तुम्हें म्यूज़िक सुनना है? अगर नेक्स्ट वीडियो में अगर तुम्हें बैकग्राउंड म्यूज़िक चाहिए, तो मैं ऐसे करेगा। ठीक है, तो सुनाई दिया क्या? तो फिर से, सॉरी ज़्यादा हो गया। फार्मिंग सिमुलेटर का म्यूज़िक हो सकता है पंखे का आवाज आ रहा हो, कभी ये मेरा फेवरेट हुआ करता था, बट अब नहीं। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है यूज जायरोस्कोप, अगर कोई बैटल ग्राउंड ज्यादातर खेलता है। ठीक है, तो वो तो जायरो खेलता होगा, अगर तुम्हें जायरो चाहिए तो देखो। बट जब आप नया नया डाउनलोड करते हो ना, तब ऐसा मतलब जायरो ऑन नहीं रहते, वो ऑफ रहते हैं। ये वाला जो है ना, क्या हॉरिजोन टेल या फिर क्या, प्लीज़ यार सॉरी, मैं प्रोनाउंसिएशन में बहुत गंदा हूँ, 8 क्लास में पढ़ता, अब तक पढ़ना लिखना नहीं आता है मेरे को, बहुत शर्म तो आती है वैसे। तो ये वाला मतलब ये मैंने खुद से करके रखे मिशंस, अगर आप मिशंस को ऐसे मतलब ये ऑन रहता है ठीक है, बाकी ये दोनों शायद से ऑफ रहता है डिफ़ॉल्ट में, मतलब जब आप नया नया गेम डाउनलोड करते हो। ठीक है, अब मैं मतलब जायरो ऑफ रहता है, ये भी ऑफ रहता है। ठीक है, ओनली 14 में सी, मैं बताऊंगा यार धीरे धीरे। ठीक है, फार्मिंग सिमुलेटर का सारे वर्जन्स मेरे पे एक्सेप्ट 22, 22 ये निकला है ना, वो क्योंकि वो PS5 में अवेलेबल है, PS4 शायद से, और हमारी औकात नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा रहेगा। iOS डिवाइस मेरे पास नहीं है, ठीक है, और मैं ये खेल रहा हूँ एंड्रॉयड 12 पे, तो शायद उस टाइम पे एंड्रॉयड 7 था मेरे पास जब मैंने पहली बार खेलना शुरू किया था। ठीक है, और हाँ
आप अगर यहाँ पे देखो, और यहाँ पे दिखा था ना बाय कॉइंस, सच्ची बता रहा हूँ यार, ये जो पूरा का पूरा गेम है ठीक है, ये फ्री में ख़त्म हो सकता है ठीक है, फ्री में, कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें तो अवेलेबल है ना फ्री में। तो यार तुम पैसा मत लगाओ ना मेरी, मैं जो गलती करता हूँ तुम मत किया करो ठीक है, मैंने इसमें अब भी पैसा भूखा है सच में। देखो 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 दीदी, हाँ ये रहा जिसको मैंने अनलॉक किया है, तीन है देख रहे हो। हाँ तो शॉपिंग का बता, सॉरी हम सेटिंग्स पे थे भाई। हाँ सेटिंग्स में और 14 में क्या है ना, मतलब यहाँ पे एक मैसेज आएगा, यहाँ पे मतलब लेफ्ट साइड ऊपर में वन दिखाएगा राइट, वहाँ पे आप दबाते तो वहाँ पे सेव का ऑप्शन आता है, बट वो मतलब मेरे को उसका एक्चुअली लिटरली पता नहीं है कि कितना देर बाद आता है, मतलब अचानक से आता है ठीक है, पॉपअप होता है। तो एक और तरीका है ठीक है, मतलब अगर आप वो सेव नहीं कर दो ना गेम को, तब आप एग्जिट करोगे, फिर से जब आओगे तो तब क्या होता है, तब ये होता है ना, वो पूरा का पूरा उड़ जाता है ठीक है, मतलब यानी मान लो ये मैंने यहाँ पे ये कर रखा है ठीक है, मान लो अभी मैंने ये ख़रीदा है और मैंने गेम को सेव नहीं किया है ठीक है, ये फिर जब मैं दोबारा से गेम स्टार्ट करूँ ना, तो ये वाला चीज़ नहीं रहेगा, उड़ जाएगा यार, क्योंकि तुमने क्या क्या किया वो तो तुमने सेव नहीं किया। अब मैं इस पर रहता हूँ क्योंकि अभी इसका वो ग्रोथ हो रहा है, तो हाँ क्या बोलते हैं इसको, वीट नहीं यार धान ठीक है। तो एक और ऑप्शन है, आप यहाँ पे सेव का ऑप्शन लो, सेव हो जाएगा, फिर आप एग्जिट करना, ये कंपलसरी है यार, कंपलसरी तो है, तुम्हारी मर्जी यार, अगर तुमने अभी एक चीज़ कर दी है ठीक है जो कि तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, मतलब तुम्हें बस रिसेट करना है ठीक है, तो लास्ट टाइम जहाँ पे तुम सेव किए थे फिर वहीं से शुरू होगा ठीक है। और इनका वेबसाइट छोड़ो यार, वेबसाइट तुमको क्यों ही जाना है यार, मैं तो बता रहा है ना, अगर फिर भी अगर तुम्हें कोई डाउट हो तुम कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, और पहले से बता रहा हूँ यार, वीडियो भले ही 10 मिनट का हो गया, क्या पता 3-4 घंटे का हो जाए ठीक है, और ऊपर से मैं इस वीडियो को प्रीमियर पे डाल रहा हूँ सेटिंग्स का बता दिया, जायरो ऑफ रहते तो वो दिखाया कैसे ठीक है, अब मैं जायरो ऑन कर देता हूँ। और ये जो टिल्ट वाला जो ऑप्शन है, देखो जायरो ऑन किया हूँ मैं, अभी फ़ोन हिला रहा हूँ ठीक है, कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा राइट, हाँ वैसे भी तो पता थोड़ी चल रहा है, अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ, अब देखना क्या होता ठीक है, अब भी मतलब स्क्रीन हिलेगा। तो पहले मैं इसको ऑन करके रखता था, बट अब भी ऑफ करके इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि देखो एक 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 मस्त सी चीज़ दिखाता हूँ ठीक है, अभी घुमाया ठीक है, वहाँ पे एक ट्रक दिख रहा होगा जहाँ पे 00 लिखा है ठीक है, उसके साइड में एक ट्रक दिख रहा होगा, उसके ऊपर वहाँ पे पूरा ग्रीन स्क्रीन टाइप का दिख रहा है, बट पहले ऐसा नहीं था, पहले आसमान दिखता था, अब वो नहीं दिख रहा है, अब इसका क्या ग्लिच है मेरे को, वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए मैंने इसको ऑफ करके रखा है जिस दिन ये। अरे हाँ यार मेरे को तो ये लगता है कि अब इसके अपडेट्स ही नहीं आएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में वही मैसेज दे दे रहा है ना, इसका न्यू वर्जन है, तो इसीलिए इसको अब शायद अब अपडेट आने नहीं वाला है, वैसे भी इसका बहुत सारे वर्जन निकल गए। प्राइसेस पे अगर आप जाओगे तो हाँ यहाँ पे ये दिखाते हैं कि कहाँ पे, मतलब अगर तुम स्टेशन में बेचोगे तो तुमको इतना प्रॉफिट देगा ठीक है, इतना प्रॉफिट देगा। और मिल्क ये सब, ये देखो यहाँ पे प्राइसेस है, अरे यार वो टच वाला इफेक्ट नहीं है मेरे पे, नहीं तो ये कर देता, प्राइसेस के पहले वाले साइड में ठीक है, थोड़ा लग रहा है ना चूहे का शक्ल जैसा दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं जरा बताना मेरे को, हाँ सॉरी यार मेरे सच में नहीं पता, बट उसके साइड पे जो वो ग्रास है ठीक है, तो और उसके साइड पे तो ये तो मिल्क का बॉटल है ठीक है, तो अगर तुम्हें अरे साइड स्लाइड हो, अरे हाँ यार पता है लो एंड डिवाइस का तो नहीं पता, बट हाई एंड डिवाइस में ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, मतलब बहुत ज़्यादा लैग मारते। अब मैंने अभी स्लाइड किया, ओ अबे हो गया क्या, इससे पहले जो मैं स्लाइड बैक कर रहा था तब मतलब हो ही नहीं रहा था, मुझे 3-4 बार करना पड़ा, पहला वाला धान ऐसा है, हाँ धान ही है ठीक है, धान धान कैसे करते वो तो पता होगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग में वही करने को दिखाता है ठीक है, अभी मैंने धान वैसे ये करके रखा है, उसके बाद है मक्का, मक्का ही बोलते हैं ना हिंदी में, उड़िया में मक्का बोलते हैं, तो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न नहीं कोनी, इंग्लिश में कॉर्न बोलते हैं यार,
और ये फ्लावर, अच्छा तुम्हें अगर पता है कि फ्लावर 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 जो है इसको क्या बोलते हैं, तो प्लीज हिंदी में, अगर तुम उड़ीसा से हो तो उड़िया में क्या बोलते हैं। तो अब तक मेरे को ये तीन आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट वाला जो चूहे की शक्ल वाला वो भी आता है, और ये जो ग्रास है वो आता है, और ये मिल्क भी कैसे करते वो आता है मेरे को। उसके बाद ये जो, सॉरी, ये जो स्टैटिस्टिक ठीक पढ़ा तो, हाँ नहीं पढ़ा हूँ ठीक से पता है मेरे को। तो पहला है स्टोरेज। स्टोरेज यानी बताऊँगा, ठीक है। स्टोरेज में यानी तुम्हारे पास ये क्या क्या है, सॉरी ये क्या है, SLURRY, ठीक है, स्लेरी यू ना, ये ठीक है। ये जो एस, ये जो है ये वही है, क्या बोलते हैं उसको, प्राइजेस में ये वाला जो चूहे की शक्ल वाला है ना उसको ये बोलते हैं। अगर उसे उसका प्रोनाउंसिएशन में बाद में गूगल गूगल बोल रहा हूँ, ट्रांसलेशन अच्छा अभी ही कर लेते हैं यार, रुक की जाओ अभी सुनना, ठीक है। मैं ये निकाल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, गूगल ट्रांसलेटर, सॉरी वो गूगल ट्रांसलेटर बोलते हैं क्या, नहीं तो एक सेकेंड। पहला हो गया वीड, Weed. ओके। सेकंड वाला कौन, Corn. अरे कनोला, कनोला क्या होता है, अरे जो Canola. फूल नहीं है वो, वही है कनोला। Slurry. स्लरी नाम सुना, पहली बार सुन रहा हूँ मैं। जैसे कलोरा, कनोला, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वो ट्रांसलेशन निकालते हैं हम, ट्रांसलेशन कैनोला, कैनोला, कन के नीला। फोटो, फोटो में देखो तो यहाँ पे मेरे को ऑयल, ऑयल एक तरह का ऑयल, हाँ, अच्छा, येलो कलर का फ्लावर है उसका ऑयल, ठीक है, उससे ऑयल बनता है। दारा गारा पता है क्या तुम्हें क्या होता है, हो सके तो इसका फोटो, अच्छा इमेज, हाँ मेरे को यहाँ पे नाला, नाला नाला नहीं रे, फूड आइटम्स, फूड 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 सर्च करते हैं। काला काला कुछ तो है, मिक्सचर कलर ब्लैक होता है क्या, तुम भी मेरे साथ सोच करते रहो, समझी रहा हूँ। हाँ फूड, हाँ, हाउ टू मेक स्लरी, प्याज, वाइट प्याज होता है शायद से, वाइट कलर, अच्छा वो प्याज ही होंगे, वो वाइट कलर का प्याज, ठीक है। तो ये हो गया स्टोरेज। स्टोरेज यानी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैप में दिख रहा होगा, पेट्रोल, पेट्रोल के नीचे नहीं है, हाँ ये रहा, ये है फार्म स्टोरेज, ठीक है। यानी अगर तुम इसमें जाके अगर तुम कुछ डालते हो ना, तो वो मतलब उसका कोई इनकम नहीं है, ठीक है, यानी तुम स्टोर करके रख लो, राइट, उसका कुछ इनकम नहीं है। फिर बायोगैसेस, बायोगैसेस हो गया ये, एक सेकंड, मैंने वो लेके रखा है, ये वाली जगह है बायोगैसेस। बायोगैसेस यानी तुम्हारे जो फूड, मतलब तुम जो बना रहे हो, ठीक है, ये वाली जगह है, देखो यानी स्टार्टिंग यहाँ से होती है, तो तुम ये रास्ता देखो, ठीक है, यहाँ पे तुमको प्लांट्स, नहीं, यहाँ पे वो नहीं जा रहा, अभी भी मेरा जो एरो दिखा रहे हैं, अभी प्लस का सिंबल, उसके बीच में जो पत्ता टाइप का है वहाँ पे तुम सबमिट करोगे, फिर यहाँ पे बनेगा बायोगैस। और यह है कंटेनर, ये जो ब्लैक कलर का है, सॉरी ब्लैक बोल रहा हूँ, रेड। उसके बाद और क्या, यह बायोगैस 1 2 3, जब तुम वहाँ पे जाओगे तब तुम्हें पता चलो 1 2 3 क्यों लिखा है। उसके बाद ग्रास, ग्रास 7। अब
शायद से 18 में, ठीक है, वहाँ पे मतलब एक लिमिट है, ग्रास का एक लिमिट है, ठीक है, और मतलब स्ट्रॉ ये सब का एक लिमिट है, ठीक है, उससे ज़्यादा तुम नहीं भर सकते, बट यहाँ पे वो यहाँ पे लिमिट नहीं लिखा है, तो शायद से अनलिमिटेड होगा, क्योंकि मैंने मतलब जब मैं खेलता था तब नहीं पता था मेरे को, 18 में ही पता चला कि हाँ कैसे क्या करना है बोल के, एक्सपेरिमेंट करते करते सीख गया। मिल्क का भी लिमिट रहता है वहाँ पे, बट यहाँ पे नहीं है। म्यूनेर का भी लिमिट होता है, बट यहाँ पे नहीं है लिमिट 18 में यहाँ। फिर सोन एरिया, सोन एरिया, अच्छा, अंडरस्कोर प्लेट नहीं, मतलब मैंने इसको अब तक 10 घंटे, ये क्या होता है यार ये वाला टाइम, मेरे को थोड़ा समझाओ। डिफिकल्टी बिगिनर, ओ अच्छा, मैंने बिगिनर, मिशन जीरो, मिशंस यानी वो ही जो देते हैं, मतलब अचानक से पॉप अप होता है, ठीक है, वो फ्यूल यूज्ड, इतना इतना लीटर मैंने अब तक खर्च किया है। डिस्टेंस मैंने अब तक ओनली 41 किलोमीटर तक ही ट्रैवल किया है। हार्वेस्ट एरिया, मतलब मेरे पास कितने ज़मीन है हार्वेस्ट करने के लिए, शायद से 3। सोन एरिया 4, अभी ये 4 किस लिए, मेरे पास 4, हाँ ग्रास हो गया और बाकी 3 ये करने के लिए बस। हाँ अचीवमेंट्स 15 अचीवमेंट टोटल, टोटल 15 अचीवमेंट से गेम का तरफ से, पहले नहीं था, अभी रिसेंटली सर से अपडेट कर दिया, अचीवमेंट्स नया डाला है। और ये 10-13, ये टाइम मेरे को समझ नहीं आ रहा, मतलब 10 घंटे या ऐसा कुछ। अब अचीवमेंट्स था पहले, बट ऐसा नहीं था, ये वाला इंटरफेस नहीं था। अब देखो, ग्रास यू हैव टू सोन मोर देन 1 हेक्टेयर, मतलब नहीं पता मेरे को यार, सच्ची बता रहा, यू हैव कंट्रीब्यूट मोर देन 10 किलोमीटर, मतलब एक व्हीकल को आपको 10 किलोमीटर से ज़्यादा चलाना है, शायद वही है, ठीक बोला तू, यू हैव टू हार्वेस्ट मोर देन 1, मतलब ये इससे ज़्यादा, मतलब वो जो चेंज करके एक नया डालो, मतलब कुछ नया चीज करो, और तुम्हें अपना इनकम 1 मिलियन से ज़्यादा करोगे तो तुम्हें ये वाला अचीवमेंट कंप्लीट होगा। बाकी मेरे को ये सारे अचीवमेंट कैसे, अच्छा 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर अगर चला लूँगा तो मेरा ये वाला अनलॉक हो जाएगा। चलना किसको है रे, वो तो हो जाएगा अपने। अब चलो यहाँ पे अनलॉक का सेटिंग्स बताया, साइड वेबसाइट का कोई ज़रूरत नहीं, सेव का बता दिया, मैनुअल का नहीं पता, नहीं प्राइस का समझा दिया, मैनुअल कंट्रोल, कंट्रोल्स कंट्रोल्स किसको नहीं पता होंगे बताओ, ड्रैग द स्पीड, अच्छा कंट्रोल्स मैं ही समझा रहा है, देखो वो तो लेफ्ट राइट वाला समझा दिया, ठीक है, जायरो का भी समझा दिया। अभी ये हो गया तुम्हारा फ्रंट, ठीक है, मतलब इसको ऐसे ऊपर करोगे तो ये आगे बढ़ेगा, रेड वाला जो मार के ऐसे करो तो पीछे जाएगा। अब ये हो गया व्हीकल चेंज, देखो यहाँ पे ऐसा आया, सम स्पेयर पार्ट्स आर मिसिंग, विल यू हेल्प टू विलेज, अच्छा, मेरे को जाना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे टास्क दिया है, ठीक, अब ये जो मिशंस था ना उसको मैंने अनेबल कर रखा, तो ये से वार्निंग दे देता है, ठीक है, तो हाँ चलो 1 मिनट का टाइम है, चलो करते हैं, थोड़ा म्यूजिक।
तो बेसिकली एक्चुअली इसमें, अरे हाँ अरे, एड से कि था शायद से, इसमें एड्स आते थे वो वाला शायद से हटा दिया किसमें का, तो इसमें ऐड आते हैं शायद से, ऐड नहीं आ रहे लगता है, वो ऐड वाला सिस्टम इन्होंने हटा दिया है। अब एक्चुअली मतलब अगर तुम उसको कलेक्ट कर दो ना ऐसे वाला जो रहते हैं, मेरे को यही वाला करना पसंद है, बाकी सारे जो सिमुलेटर गेम है उसमें ये वाला सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, मतलब बाय एनी चांस, ठीक है तुम मतलब रन आउट ऑफ मनी, मतलब तुम्हारे पास और पैसे नहीं है, ठीक है तुमने सारे उड़ा दिए, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत वेट करना पड़ेगा, मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हाँ तुमको 2 मिनट बाद मिल गया, ऐसा कुछ फिक्स्ड टाइम नहीं है, कभी भी कुछ भी मिल सकता है। अच्छा, ये सबको भी कलेक्ट करना है। अब मैंने एज बूस्ट के लिए मैंने यहाँ पे फर्टिलाइजर डाला है वैसे, बट अभी तक क्यों उगा नहीं है वो नहीं पता। पर मैं बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है ना, तो मैं एक्चुअली ना देखो, पता है एक गलती जो कि तुमसे नहीं होनी चाहिए वो ये है कि मतलब अभी तुमने मतलब सीड्स डाल दिए, फिर तुम ना मतलब फर्टिलाइजर या फिर मैन्यूर डालो मत, ठीक है मतलब सडनली डालो मत, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा ज़मीन है और मशीन कम है ना, और तो ज़्यादा फर्टिलाइजर डालो मत। रुको रीज़न बताता हूँ मैं, हमारा काम हो गया। आउच यार, सिर में बहुत जोर से लगी मेरे को, हाँ दर्द कर रहा है मेरे को बहुत जोर से, अभी भी गुस्सा आ रहा है मेरे को। और हाँ, तुमको थोड़ा इच्ची इच्ची आवाज आएगा क्योंकि साइड में घर बन रहा है कि नया घर बन रहा है, तो अरे नहीं रहे। सॉरी, कनेक्ट, हाँ कनेक्ट करना है तो ऐसे तुम पास में लाओ और ये कनेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा बैक करूंगा, इन सबको तुम्हें कलेक्ट करना है, ठीक है, और इसे यही तो प्रॉब्लम है। देखो अब मैं यहाँ पे काम कर रहा था, वहाँ पे मतलब धान उग गए हैं, ठीक है, तो अगर तुम धान को ऐसे मतलब मैंने वहाँ पे फर्टिलाइजर डाला है, ठीक है, तो धान मतलब स्पीड से ग्रोथ हो रहा है, राइट, तो अब भाई स्पीड से अगर ग्रोथ हो रहा है ना, तो कब मतलब सड़ जाएंगे वो नहीं पता, ठीक है, तो वही एक दिक्कत है। मतलब उगने के बाद भी वो स्पीड से ही ग्रोथ होता है, उनका कुछ मतलब रुकने का सिस्टम नहीं है, राइट, तो अब मैं इस यहाँ का शायद से, अब अगर हार्वेस्टर का अगर जल्दी काम हो जाता है वहाँ पे, और यहाँ पे वेट करना, मतलब अभी मैंने बस इस, ये भी एक फर्टिलाइजर मशीन है ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हो, ठीक है, बट अभी इसको यूज़ नहीं करूँगा, जब हार्वेस्टर का काम ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे, फिर यहाँ पे जब आऊँगा मतलब ये वाले ज़मीन पे, ठीक है, तब मैं फर्टिलाइजर यूज़ करूँगा, क्योंकि अगर पहले से मैंने फर्टिलाइजर यूज़ कर दिया और एक साथ अगर 7-8 ज़मीन पे मतलब
एक साथ ग्रोथ हो जाएगा ना, फिर जब एक साथ ग्रोथ हो जाएगा फिर दिक्कत कि भाई कौन सा ज़मीन पे करे। अगर मैं अभी ये वाला ज़मीन पे कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला ज़मीन पे करते करते यहाँ तक पहुँचाऊँगा, फिर वो वाला वो जो जहाँ वो जहाँ पे अभी हार्वेस्टिंग चल रहा है, ठीक है, वो वाला सड़ जाएगा तब तक, राइट। यही एक दिक्कत है, तो बाकी सब ठीक है। इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, तुम्हें अगर तुम करोगे तो यार तुम्हें ही लॉस होना है। अगर तुम्हें लग रहा है ऐसा कुछ होगा नहीं, तो तुम खुद से एक्सपेरिमेंट करो। तुम्हें बस बोलते ना, अपनी गलतियों से ही लो इंसान सीखता है और दूसरों को बोलता है। अगर तुम्हें लग रहा है मैं मतलब बड़ा बोल रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ यार। ओके, वेयर इज माई ट्रक? या ओप्स, हाँ यार जाओ। और FS14 का मेरे को एक चीज़ सबसे ज़्यादा गंदी और सबसे ज़्यादा बुरी लगा, क्या बताता हूँ मैं। मतलब इसका जो मैप है ना, बहुत बेकार है, ठीक है। मतलब अरे ज़्यादा आगे हो गया, कुछ कर नहीं सकते, फिर से उसको 100% होने दो। अब मतलब सिमुलेटर वालों, एक बात बताता हूँ मैं। तुमने एक मैप बनाया, ठीक है, मैप के हिसाब से गाड़ियाँ बनाओ या फिर गाड़ियों के हिसाब से मैप बनाओ, राइट। अब यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, अभी तुमने वहाँ पे देखा ना, यहाँ पे ये अटक गया था, मतलब ये क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बैले रोल, बैले बैले रोल, सही बोल रहा हूँ, बैले टूल, ये जो सामने जा रहा है ना वो, ठीक है, वो वहाँ पे रुक गया था। वही दिक्कत है बस। मतलब तुमने एक मैप बनाया है, चलो ठीक है, तुमने एक मैप बनाया है, ठीक है, तो भाई या तो तुम मैप के हिसाब से गाड़ियाँ दो या फिर तुम गाड़ियों के हिसाब से मैप बनाओ। नहीं मतलब गाड़ियाँ बड़ी है, और ये देखो अब यहाँ पे ऐसा अटक जाएगा, इस बाउंड्री की ज़रूरत क्या है वैसे, ये बाउंड्री की ज़रूरत क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है ना भाई। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ काम, ठीक है, अब मतलब तुम अगर खेलते हो ना, तुम्हारा भी ऐसा होता होगा। यहाँ पे ये पत्थर है, पत्थर पर अटक गया, ये वाला पत्थर, इस पत्थर के ऊपर से ना चढ़ के चले जाना चाहिए। ये फालतू का यार इरिटेटिंग लगता है मेरे को बहुत ज़्यादा। बायोगैस, बायोगैस का वो ख़त्म हो गया, बायोगैस बनाना पड़े। अब यहाँ पे म्यूनियर, ये वाला जगह देख लो, ये म्यूनियर का सिंबल है। अभी यहाँ पे फर्टिलाइजर यूज़ करके कुछ फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे सब जो ये तो अलग करते हैं, ठीक है, वो जो कैसा सिंबल है, ये जो एक पेंचकस हॉर्न के साइड पे पेंचकस वाला सिंबल है, ऐसे करो तो वो एक्टिव होते हैं। उसके साइड पे जो वो अलग करता है इंस्ट्रूमेंट को, उसके साइड पे जो है उसको दबाओगे तो वो चेंज करते प्रोडक्ट, ठीक है। आउच, पीठ दर्द कर रहा है मेरा। तो अभी इसका क्या, ये भी मतलब बैले टूल ही है, बट मैं इसको बोलता हूँ मतलब कलेक्टर, कलेक्ट करते हैं ना। यहाँ पे छोड़ा था मैंने शायद से, अरे बाप रे, ये रहा। हाँ एक और बात, अगर तुम मतलब खरीदते हो फ्री में ना कि पैसा दे के, ठीक है, तो मैं प्रेफर करूँगा ट्रैक्टर्स में से, पहले ट्रैक्टर्स में, ट्रैक्टर्स में ये जो 94,000 जो है ना, यही वाला खरीदो, ठीक है। ये सब खरीद के कुछ फ़ायदा नहीं है, अनटिल अनलेस तुम अगर, और ये वाला मशीन को छोड़ो, तुम ये वाला खरीदो, ठीक है, 190,000, ये वाला मेरे को मतलब बेस्ट रहेगा, ठीक है, सजेशन। ये खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि मैंने ही खरीद कर रखा है। फ्री वाले यार, तुम अगर पैसा उड़ाना चाहते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। और तुम्हें ये वाले चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये वाला जो ये जो है मैंने खरीद कर रखा है, बट तुम मत खरीदना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके जगह पे किधर है तुम, किधर है तुम,
किधर है तू? अरे ये नहीं रहे, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये रहा, ये भी एक फ्री में। वो बड़ा वाला मशीन की जगह पे तुम इसको काम में ले सकते हो। सॉरी, बाकी 18 में ठीक है, तुम कोई भी, सॉरी 18 है, 20, 20 में ठीक है, तुम कोई भी हार्वेस्टर, ये मतलब मान लो अभी ये मैंने ये वाला लिया है ठीक है, सॉरी ये ग्रीन कलर का मैंने लिया है ठीक है, इसका जो कनेक्ट होगा मतलब जो टूल ठीक है, हैंडलर्स ठीक पढ़ा है तो वो ये वाला होगा और ये वाला होगा राइट। बट FS20 में ऐसा नहीं सिस्टम नहीं है, ये वाला मैंने लिया है एग्जाम्पल ठीक है, ये वाला लिया है मैं, दूसरे वाले का जो इंस्ट्रूमेंट है वो कनेक्ट कर सकता हूँ जो कि बाकी वर्जन्स में नहीं है शायद से, कोई बात नहीं अगर मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि मेरे को याद नहीं है ठीक है, तो मैं सजेस्ट कर रहा था राइट, तो वो वाला खरीदना ग्रीन कलर का और ये दो ग्रीन कलर का खरीदना ठीक है, काम दिखाऊंगा बाद में। और अगर तुम ये खरीदते हो ये और ये फ्री वालों का बोल रहा हूँ तो वेस्ट ऑफ मनी है ये वाले ठीक है, गेम के जो करेंसी है। और अगर तुम कल्टीवेटर खरीदते हो तो ये वाला, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लंबा है ठीक है, ये वाला सबसे मतलब यहाँ पे जो दो तरफा एरो देख रहे हो ना, ये 9 दिखा रहा है, मतलब ये 9 मीटर्स का है, 9 मीटर मैंने ऐसे ही बोला बट उतना बड़ा है ठीक है, तो सबसे बड़ा ये वाला 3 है, ये वाला 6 है, ये वाला 9 है, ये वाला 2 है, ये वाला 4 है, तो 9 सबसे बड़ा होता है तो उससे जल्दी जल्दी काम होगा। और फ्री वालों के लिए ये 3 है तो हाँ यार ये 8, ये 15, इसमें बहुत जल्दी होगा बट दिक्कत ये ना, ये फ्री वालों के लिए अवेलेबल नहीं, मैंने भी नहीं लिया यार इसका, मतलब तो क्या करूँ मैं इसका, ये वाला तो हम फ्री में दे रहे हैं ना, इसमें मैं सोचा लूंगा बट यार वेस्ट ऑफ मनी मेरे को लगा तो हम नहीं यार नहीं लेते। फिर ये वाला एक्चुअली ना तुमको बहुत ये लगता है, मतलब बहुत फ्री वालों के लिए, मतलब फ्री में ये बड़ा वाला भी मिल रहा था तुम्हें, तो बड़ा वाला लो, बड़ा वाला लोगे तो मतलब ये वाला स्पीड में, सॉरी ये वाला मतलब ज़्यादा जल्दी होगा ठीक है, ये वाला मतलब टाइम लगेगा क्योंकि इसको बार बार रिफ्यूल करना पड़ता है, 1500, 1500 मतलब 30 सेकंड भी नहीं जाएगा ठीक है, 30 सेकंड भी नहीं जाएगा, मतलब इसका जो परसेंट है ना 100%, वो मिली सेकंड जैसा लगता है मेरे को ठीक, दूसरा का ओपिनियन क्यों लेना है। और बायोगैस तुम ये फ्री में मिल रहा है बड़ा वाला तो तुम यार लो ठीक है, और बायोगैस मतलब एक तरह से मतलब तुम भले, तुम फार्मिंग खेलना पसंद है ना कि कर, मतलब तुम करना नहीं आता है ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली अब यार 7th क्लास के बच्चे तो उनका शायद होगा क्रॉप्स प्रोडक्शन 8th क्लास का ठीक है, तो उनको शायद पता होगा, नहीं तो पढ़ोगे यार एग्रीकल्चर अगर तुम स्टडीज लेते हो, तो बायोगैस मतलब वो ये हो गया, मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलाइजर का काम है, फूड मतलब फूड नहीं यार, मतलब हम प्लांट को हेल्दी रखना, म्यूनियर का भी वही है ठीक है, फर्टिलाइजर जो है वो केमिकल है और नेचुरल, ए फर्टिलाइजर तो केमिकल ना, फर्टिलाइजर केमिकल, नेचुरल अलग म्यूनियर, तो नेचुरल कूड़ा मैनर ना म्यूनियर केमिकल, ऑर्गेनिक मैन्योर अच्छी हाँ मैं और सेटा तो नेचुरल है ना, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ये ना, ऑर्गेनिक आओ हाँ सेटा नेचुरल है ना, नहीं ना बायोगैसेस, बायोगैस में नेचुरल हाँ बायोगैसेस है ना नेचुरल, बस बायोगैसेस और काम गैस जोड़े वो जोड़े हुआ भाई ना, प्लांट रही है करो भाई, प्लांट रे दियंती नहीं बायोगैसेस,
दियंती ना दियंती नहीं तो प्लांट को थोड़ा मतलब फ्रेश रहेगा बोल रहे बायोगैसेस। और ये हो गया बायोगैसेस का कंटेनर, ये हो गया फर्टिलाइजर का कंटेनर। फर्टिलाइजर का ये है वो आपने देखा होगा, वो मैंने ये वाला ले रखा है, ये फ्री में मिल रहा। तो हाँ यार ये वाला मैं सजेस्ट करूँगा ग्रीन कलर का। बाकी ये तो बताया था, ये वाला खरीदो ठीक है, टेंडर्स ये वाला खरीदो ठीक है, एक ही फ्री में मिल रहा है। ये वाला माँ का साहब, ये जो है ना विंड रोलर, ये खरीदो मत। नहीं यार मतलब अगर तुम ये यूज करते हो ना, मतलब बहुत कम ग्रास इकट्ठा होगा ठीक है, ये वाला मत खरीदो। बाकी बैलरो ये वाला दिखाया था, ये वाला खरीदो, इसका काम देख चुके हो, इसका भी काम देख चुके हो। और ट्रांसपोर्ट का ये सब मत खरीदो ठीक है, ये वाला खरीदो क्योंकि ये उस इसके लिए ज़रूरत है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, इसके लिए वो ग्रीन कलर का ज़रूरत होगा। उसके लिए ना तुम कोई भी ले सकते हो, मतलब ये ठीक है ले सकते हो। मैंने उसके लिए ही ये वाला लिया है ठीक है। अब अगर तुम्हें कुछ भी बेचना है ना, ये वाला अपना ट्रक ही ले लो ठीक है। पेशेंस रखो पेशेंस रखो, इतना तुम जमा करो और परचेस करो। बाकी कार का काम क्या है, मतलब एक कार का कुछ काम ही नहीं है ठीक है, ट्रैक्टर से जो हो जाएगा ना इसका भी वही है। हाँ वो जो उस टाइम पे दिखा ना वो मतलब गुड्स वाला ठीक है, तुमको वहां पे जाके अब तुम फ्री में ये लेना है। अब तुम देखे मेरे पास उस टाइम पे मतलब 7 सेकंड था ठीक है, 7 सेकंड में जैसे जैसे तैसे हो गया। अगर तो स्पीड में जाना है मतलब जल्दी जल्दी करना है ठीक है, तो उसके लिए तुम ले सकते हो, बट मैं नहीं ले रहा। ये फ्यूल ड्रेलर, मतलब अभी मान लो तुमने एक गाड़ी को ऑटो ड्राइव पे छोड़ा ठीक है, अब ऑटो ड्राइव पे छोड़ो वो काम कर रहा है, फिर अचानक से उसका फ्यूल कम हो गया ठीक है, तो गाड़ी बंद हो जाएगा ना। गाड़ी बंद नहीं होगा, गाड़ी स्लो हो जाते हैं बाकी सब में, इसमें शायद स्लो नहीं होता, एक्स्ट्रा पैसा खर्च मतलब चला जाता है ठीक है। अभी तो इसका इन्फिनाइट दिखा रहा है, पहले इसका इन्फिनाइट नहीं था। अब तुम इसको अगर तुम गाड़ी के पास लेके जाओ तो वो गाड़ी का फ्यूल फुल हो जाएगा। बाकी इसका काम तो तुम्हें दिखा दिया हूँ, इसका भी वही सेम है, बट ये थोड़ा बेकार है क्योंकि ये मतलब ग्रास कलेक्ट करते हैं। बैटरी ट्रैक्टर, हाँ क्या मेरा काम हुआ यहाँ पे? हाँ अब तक नहीं हुआ। एक काम करते, इसको ऑटो ड्राइव पे छोड़ देते, सामने तो गाड़ी है तो आगे नहीं जाएगा। इसका काम हुआ क्या? अब देखो ये है कल्टीवेटर। अब तुम जैसे एक जमीन के पास हो, यहाँ पे ऑटो ड्राइव का स्टेयरिंग वाला ऑप्शन है, ये हो गया ऑटो ड्राइव। बैले रोल ये अटक गया, हाँ रे अटक गया है। अब एक शॉर्टकट बता दो, अगर तुम्हें ये बार बार प्रेस नहीं करने, ऐसे निकालो टच करो दूसरे में घुस जाओ, ये सारे वर्जन्स में सिमिलर में थोड़ा सा अलग दिया है। वहाँ पे अगर तुम मतलब मैप सिस्टम, यहाँ पे वो मैप तुम नहीं खोल सकते हो, यहाँ पे ऐसे स्लाइड करोगे ठीक है, यहाँ पे ऐसे देख सकते हो और ऐसे बड़ा होगा तो। हाँ और हाँ नए खेलने वाले, तुम्हें यहाँ पे जो ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर ओ लिखा होगा ठीक है, तो मेरे में प्लस दिखा रहे तो कन्फ्यूज़ मत हो। अब मेरे यहाँ पे प्लस इसलिए दिखा रहे क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ऐसे प्लस ये करता हूँ ना तो मैं ये बाय कर सकता हूँ ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे प्लस प्लस मतलब तो ऐड होता है ना, ऐड ओ मतलब नहीं ठीक है, ओ अलग ही सिस्टम है यहाँ पे। ओ अगर कंफ्यूजन है तो हाँ ठीक है, तो अभी समझा दूँ। प्लस मतलब यहाँ पे प्लस का सिंबल है क्योंकि मैं इसको खरीद सकता हूँ ठीक है, वो मतलब तुम नहीं खरीद सकते अभी ठीक है। बैलर रोल फिर से टक गया, और हाँ FS14 का मेरे को एक चीज़ अच्छा लगा, मतलब अगर ऑटो ड्राइव पे छोड़ता हूँ वो डिस्टेंस पे रहता है ठीक है,
बट 16 में ऐसा नहीं होता, 16 में रुकता ही नहीं है, वो आगे चला जाता है मतलब आके मतलब पूरा ऐसे ठुक जाएगा, ऐसे आके पूरा ठुक जाएगा, मतलब ठुक जाएगा ही ऐसे करके ठुक जाएगा। फिर वहाँ पे सिंबल आएगा रेड, रेड कलर का एक मतलब सायरन दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे सेविंग सेव सेव का आया, और यहाँ पे ना थोड़ा मेरे को मतलब पैसा वसूल वाली, पैसा वसूल ना होने वाली, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो है ना धान, धान का जो ये है वो यहाँ पे नहीं है, वो बैले रोल जो है वो बेकार में चल रहा है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा पैसा चला गया। बट 16 शायद 18 में, 18 में शायद से ऐसा होता है ना, आप ऑटो ड्राइव पे छोड़ो तो वो मतलब परफेक्ट परफेक्ट चलेगा, ठीक है, मतलब जहाँ पे उसको मतलब जान जिसके ऊपर उसको काम करना है वो उसी के ऊपर जाएगा, ठीक है, मतलब बेकार में से ज़मीन पे नहीं जाएगा, मतलब पैसा खर्च होने वाली। अब मान लो यहाँ पे अभी ग्रास नहीं उगा है ना, देखो अभी ग्रास नहीं उगा है तो ये काट भी नहीं सकता, ठीक है। अब मैंने इसको ऑटो ड्राइव पर डाला, घास तो उगा नहीं है ना, ये चलना शुरू कर देगा, घास नहीं है फिर भी चलना शुरू कर दिया, राइट। बट 16 या फिर 18, ठीक है, इन दोनों 18 और 20 प्ले स्टोर पे पेड़ है, ठीक है, iOS का पता नहीं बट एंड्रॉयड के लिए पेड़ है। तो 16 या फिर 18 में वहाँ पर मतलब वार्निंग दिखाते हैं कि हाँ तुम यहाँ पे कर नहीं सकते, जो कि ये चीज़ मेरे को अच्छा लगा, जो कि 14 में होना चाहिए था, मतलब एक तरह से देखा ना वो मजबूर कर रहे यार तुम परचेज करो बोल के। अब मेरे को स्टार्टिंग में पता नहीं था कि हार्वेस्टर का काम क्या है, ठीक है, तो मैं खाली ज़मीन पे भी हार्वेस्टर चला ऑटो ड्राइव पे छोड़ दिया क्योंकि मेरे को मज़ा आता था, ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा है जिसमें मैं बोलते ना खाली हो गया पॉकेट, उस टाइम पता नहीं था कि ज़मीन कैसे खरीदते हैं। अब बैले, अच्छा बैले रोल लो, देखो ये पत्थर पे अटक गया, ये लो अटक गया, तो ये पत्थर का यहाँ पे क्या काम है रे, ऊपर से जायरो का डिले देख रहे हो, मैंने अभी हिला दिया, ठीक है, देखो कितना डिले, मतलब अकॉर्डिंग टू जायरो नहीं होता है, मतलब मैं थोड़ा सा हिलाऊंगा तो कभी ज्यादा होगा कभी कम हो जाएगा, कितना अच्छा मैं 1 घंटे का कर रहा हूँ यार, ठीक है भाई साहब, 3 GB हो गया, पता है 3 GB, ओनली 42 मिनट्स, 43 मिनट्स हुआ, 4.6 GB ले रहा है मेरा। अब पता नहीं यार यूट्यूब पे अपलोड करूँगा तो मतलब वीडियो क्वालिटी कितना देगा। चलो हो गया, चलो अभी इसको हटाते, वो करना शुरू। और हाँ ऐसे अब हाँ अभी हो रहा है, देखो यहाँ पे पता ग्लिचेस, अभी अभी मैं है ना स्क्रीन हिला रहा हूँ, हाँ अभी हुआ, देखो कितना डिले, ये देखो मैं स्क्रीन खाली टच करके रखो, हिला कुछ नहीं रहा, देखो हिल रहा है। और हाँ एक और सी चीज़, अगर तुम ऐसे मतलब तुम ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है, अरे व्हीकल कैसे चेंज, ये वाली सिस्टम एक और मेरे समझ नहीं आई, ठीक है, मतलब भाई व्हीकल मतलब मैं जब स्क्रीन हिलाता हूँ, ठीक है, ऐसे तब ऑटोमेटिक व्हीकल चेंज हो रहा है, ऐसा वाला सिस्टम है क्या, मैं व्हीकल को टच करूँगा तो चेंज होगा, ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं था मेरे हिसाब से, फिर भी यार कैसे हो रहा है, मतलब अब FN16 में या फिर 18 में वहाँ पे मतलब व्हीकल मतलब तुम अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, मतलब तुम्हें लेफ्ट वाले व्हीकल को जाना है या राइट वाले व्हीकल को जाना है, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक सिंगल बटन है व्हीकल चेंज करने का, मतलब तुम ओनली क्लॉक वाइज ही चेंज कर सकते हो, ठीक है, व्हीकल्स को एंटी क्लॉक वाइज तुम चेंज नहीं कर सकते, बट वहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है, ठीक है, दो ऑप्शन है, तुम्हें प्रीवियस वाले व्हीकल में जाना है या मतलब उसके बाद जो व्हीकल आएगा उसमें जाना है, प्रीवियस का ऑपोजिट क्या होता है रे, मतलब थोड़ा बताना तो। अरे रे 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 रे, प्रीवियस का ऑपोजिट क्या होता है, छोड़ो यार गूगल सर्च नहीं करेंगे तुम लोग तो बताने के लिए।
थोड़ा तुम पे थोड़ा भरोसा करता हूँ मैं, ठीक है ना? ओके, तो ये वाला, ये अभी इसके बाद एक और लास्ट जमीन है, ठीक है? मतलब ये जो धान है, ये कटने के बाद, ये कटने के बाद, नहीं यार 1 घंटे का ही कर लेते हैं यार, 1 घंटे के बाद मैं ऑफ कर दूंगा, ठीक है? स्क्रीन रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा स्टोरेज ले रहे, नहीं सीरियसली यार, नहीं तो यार कम्युनिटी पे डालूंगा, देखना। वेल, अब अगर तुम पूछोगे प्रीमियर का डेट तो देखेंगे, जब टाइम मिलेगा तब अपलोड कर दूंगा। अभी इसके बाद तो शायद से 100% नहीं होगा, नेक्स्ट वाले जमीन पे जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे, मेरे पास 3 जमीन है, ठीक है, सॉरी 4 जमीन है। एक ग्रास वाला, ठीक है, जो कि तुम लोगों के लिए मैंने परचेज किया, ये वाला जमीन जो कि मतलब, हाँ ये वाला जमीन, ठीक है, ये वाला जमीन पे ये पहाड़ देख रहे हो, ये पहाड़ बहुत दिक्कत करते हैं यार, पहाड़ का यहाँ पे कुछ काम ही नहीं है, बेफालतू का ये पहाड़ के वजह से ना अटक जाते हैं। नहीं यार, फर्टिलाइजर का भी कुछ काम नहीं है वहाँ पे, वहाँ तो उग चुका है बस, और थोड़ा टाइम के बाद कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो, देखे, और ये जो वो वाइट ऑनियन बोल रहे थे ना, वाइट ऑनियन, ये इसका वही काम है, ठीक है? वो वाइट ऑनियन निकालता है ये वाला हार्वेस्टर। चलो, इसमें वो टेलीपोर्ट कर, टेलीपोर्टेशन वाला ट्रैक नहीं है जिसमें, मतलब येलो कलर का, हर एक में येलो कलर का ही है, ठीक है? अब तक जितने वर्जन देखे, बाकी 22 का पता नहीं, ठीक है? येलो कलर कलर का एक शिफ्टर, उसको मैं शिफ्टर अभी बोल रहा हूँ, मतलब मन से अभी भी वर्ड निकला है मेरे मुंह से, ठीक है, शिफ्टर शायद से वो, मतलब उसके ऊपर ये ट्रक चढ़ेगा, फिर मतलब ट्रक बोल रहा हूँ, मतलब यही, ठीक है, हार्वेस्टर चढ़ा के तुम, मतलब तुम्हें, मतलब इसका स्पीड देखो यार, 30 किलोमीटर में तुम्हें पूरा ये पूरा मैप ट्रैवल करने कर पाओगे क्या? नहीं ना। अब देखो, रुको रुको रुको, देखो, हाँ फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये डाला, ऑटो ड्राइव पे छोड़ दिया, ठीक है, अब अटक जाएगा, अटक अटक, ये देखो ऐसे में अटक गया, ठीक है? मतलब अब तो ये मतलब इस तरफ से जा रहा था, ठीक है, ये पहाड़ आ गया सामने, पेड़ भी है, कोई बात नहीं, अब इस तरफ से ऑटो ड्राइव पे छोड़ा, अटक के रह गया, क्यों? क्योंकि सॉरी, ऑटो ड्राइव पे छे है ही नहीं। अब देखो, अटकता है तो यहाँ पे, रुको रुको, अब अटक गया, अटक नहीं भाई, हाँ वाओ, नहीं ऐसे तो नहीं होता, वो कैसे तक अटकते हैं यहाँ पे, रुको सेकंड ट्राई, ऐसे चैन नहीं मिला हम लोग, अगर नहीं अटका, नहीं अटका, चलो अच्छी बात है, नहीं अटक रहा तो अच्छी बात है ना। मतलब अगर तुम्हें, देखो अगर तुम्हें अगर जमीन देना है ना, तो मतलब पूरा, मतलब क्या बोल रहे, मतलब ऑलराउंडर होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि हाँ एक तरफ किए एक तरफ नहीं किए, वो वाला सिस्टम मत दो यार। बायोगैस, ये अटका रहा है क्या? नहीं तो हाँ, दम 49 और 10 मिनट यार। चलो अब इसका वेट करते हैं। तो हाँ, मैंने शॉपिंग सजेशन दे दिए, मैप कैसे ये करना है वो दिखा दिया, ऐड कैसे करना है वो बताया, ठीक है, दूसरे व्हीकल में, हाँ
इसमें क्या है ना, वो सारे के वही सेम है कि मतलब तुम ऐसे दूसरे व्हीकल पर टैप करोगे वो तुम उस पर शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है। बट 20 में ऐसा नहीं है, 20 में मतलब तुम अगर मैप में जाके टैप करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे फिर तुमको ऑप्शन दिखाएगा रिसेट और एंट्री एंट्री व्हीकल रहा, ठीक है। अगर तुम रिसेट दबाते हो तो रिसेट हो जाएगा व्हीकल, सॉरी अगर तुम रिसेट दबाते हो ना तो व्हीकल टेलीपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर तुम एंटर द व्हीकल दबाते हो तो वो तुम उसके अंदर एंट्री एंटर हो जाओगे। और FS20 में तुम मतलब एक फार्मर बन सकते हो, मतलब एक थर्ड पर्सन नहीं, थर्ड पर्सन तो ही होगा, मतलब तुम एक फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से तुम एक आदमी की तरह वहाँ पे घूम सकते हो, ठीक है। अब जब नया नया तो बहुत सारे ग्लिचेस आए थे, अभी उन्होंने ग्लिचेस सारे फिक्स किए कि नहीं पता नहीं यार, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सब करेंगे। जस्ट वेट फॉर, अरे यार अब इसमें 14 में एक और चीज कि मतलब तुम जैसे अभी गेम खत्म किए, ठीक है, तो ये वाला गेम बोल रहा हूँ मतलब, हाँ एक काम ऑटो ड्राइव खत्म किया ना तो ये ऐसा अटक के रह जाते हैं, बट 16 और ये में नहीं होता। देखो एक चीज क्या, मैंने अब तक इस 14 पर ट्राई नहीं किया, जब मैं इसको डालता हूँ, ठीक है, तो 16 और 18 में क्या होता है ना, अगर वो जो बैले बने हुए हैं उसको साथ में लेके जाके एंड पे छोड़ देते हैं। अगर इसमें ऐसा नहीं हो कि अगर उसको वो भी अगर ये कर देते हैं तो भाई साहब लॉस हो जाएगा मेरा, फिर भी ट्राई करते। ये हो रहा है, ये देखो यही तो मेरे को मजा आता है। दूसरे पे यहाँ पे ये नहीं, अच्छे से नहीं हुआ। और शीश, बट अगर साइड पे छोड़ा तो हाँ मतलब करना इजी हो जाएगा, राइट, मतलब कलेक्ट करना इजी हो जाएगा। तो हाँ ऐसा एक मतलब मन से बनाया मैंने ये, ठीक ठीक है। अगर ऐसे मतलब देखो उस टाइम पे कितना प्रॉब्लम हुआ, तुमने भी देखा कि मतलब उठाते समय, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में आया होगा भाई क्या यार कैसे उठा रहे, अच्छे से तो उठा ले, नहीं आ रहा मतलब आ रहा होगा ना दिमाग में, बट अब देखो अब ये तो खाली एजेस पे छोड़ रहे ना, तो पूरा मतलब ऐसे धीरे धीरे करके आ सकते हो। रोड यहाँ पे थोड़ा रोक देते हैं, ज्यादा ही स्पीड हो गया, बेचारा हमारा बेलर रोल संभाल नहीं पा रहा। ओ नहीं, एज एक्सपेक्टेड। देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है फिर भी जाएगा। और इसका FS14 का एक और सिस्टम है, ठीक है, मतलब अभी तुमने राइट साइड से शुरू किया है तो वो राइट से स्टार्ट हुआ मतलब रुकेगा नहीं, काम खत्म होने के बाद भी नहीं रुकेगा, ठीक है। बट 16 16 में भी शायद सेम ही है, बट 18 में मतलब 18 में मतलब पता रहता है, ठीक है, उसको कि हाँ काम कहाँ से क्या कहाँ तक बचा हुआ है, कहाँ तक क्या करना है बोल के, मतलब काम खत्म हो गया वो रुक जाएगा। 20 का भी वही सेम है, बट अभी शायद से वो हट गया है शायद से वो सिस्टम, क्योंकि अभी मैं करता हूँ तो वो मतलब रुक जाता है, ठीक है। बट 18 में क्या ना, मतलब मान लो अभी यानी तुमने राइट साइड पे आधा है, लेफ्ट साइड में आधा है, बीच में कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब बीच पे ये पूरा ब्लैक है, ठीक है। तो 18 में क्या होगा ना, वो तुमने राइट साइड से शुरू किया तो वो राइट साइड से करेगा करेगा करेगा, फिर बीच में जो ब्लैक है उसको छोड़ देगा, फिर लेफ्ट पे जो आधा है उसको वो पूरा कंप्लीट करेगा। अरे एक तरह से लगता है ना, हाँ भाई लगता है जैसे हाँ कोई रियल प्लेयर ही आके खेल रहे है। प्यास लग गया रे मेरे को। ओ नहीं, और 20 पे कहाँ कोई जन मतलब 20 पे मल्टीप्लेयर नहीं खेल सकते, बाकी सारे जो उसके प्रीवियस वर्जन्स हैं, ठीक है,
उन सब में मल्टीप्लेयर मल्टीप्लेयर कैसे खेलने वो बताऊंगा। देखो उसके लिए वो क्विट करना पड़ेगा, फिर कभी दिखा दूंगा यार। चलो कंप्लीट हुआ। हाँ सेव का भी ऑप्शन आ गया है। चलो बाय बाय, सी यू सून, नेक्स्ट टाइम देखते हैं क्या कर सकते हैं।